पुराण सिंहावलोकन नरश्रेष्ठ भगवान श्री नर नारायण और भगवती सरस्वती तथा व्यास देव को नमन करके पुराण की चर्चा करनी चाहिए। पुराण वाग्दम्य में गरुड़ पुराण का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि सर्वप्रथम परब्रह्म परमात्म प्रभु साक्षात भगवान विष्णु ने ब्रह्मादि देवताओं सहित देव देवेश्वर भगवान रुद्रदेव को सभी शास्त्रों में सारभूत तथा महान अर्थ बताने वाले इस गरुड़ महापुराण को सुनाया था। एक बार तीर्थ यात्रा के प्रसंग में सर्वशास्त्र परांगत शांत चित्त महात्मा सूत जी नैमिषारण्य में पधारे। वहां शौनकादि ऋषि मुनियों ने उनकी पूजा की और जिज्ञासा रूप में कुछ प्रश्न भी किए। प्रश्नों के समाधान में सूत जी ने गरुड़ महापुराण की कथा उन ऋषि महर्षियों को सुनाई। सूत जी ने यह कथा भगवान व्यास जी से सुनी थी। व्यास जी को यह कथा पितामह ब्रह्मा से प्राप्त हुई। वास्तव में मूल रूप से इस महापुराण को गरुड़ जी ने कश्यप ऋषि को सुनाया था। प्राचीन काल में पृथ्वी पर पक्षीराज गरुड़ ने तपस्या के द्वारा भगवान विष्णु की आराधना की, जिससे संतुष्ट होकर प्रभु ने अभिष्ट वर मांगने के लिए कहा। गरुड़ ने भगवान से निवेदन किया कि नागों ने मेरी माता विनता को दासी बना लिया है, हे देव आप प्रसन्न होकर मुझे ये वरदान प्रदान करें कि मैं उनको जीत कर अमृत प्राप्त करने में समर्थ हो सकूं और माँ को नागों की माता कद्रु की दासता से मुक्त करा सकूं। मैं आपका वाहन बनूं और नागों को निदीर्ण करने में समर्थ हो सकूं, तथा जिस प्रकार पुराण संहिता का रचनाकार हो सकूं वैसा ही करने की कृपा करें। भगवान श्री हरि ने पक्षीराज गरुण को ये अभिष्ट वरदान प्रदान किए तथा कहा कि आप अत्यंत शक्ति संपन्न होकर मेरे वाहन बनेंगे, विषों के विनाश की शक्ति भी आपको प्राप्त होगी। मेरी कृपा से आप मेरे ही महात्म को कहने वाली पुराण संहिता का प्रणयन करेंगे। जैसा मेरा स्वरूप कहा गया है वैसा ही आप में भी प्रकट होगा। आपके द्वारा प्रणीत ये पुराण संहिता आपके गरुड़ नाम से लोक में प्रसिद्ध होगी। हे विनतासुत, जिस प्रकार देव देवों के मध्य में मैं ऐश्वर्य और श्री रूप में विख्यात हूँ, उसी प्रकार हे गरुड़ सभी पुराणों में ये गरुड़ महापुराण भी ख्याति अर्जित करेगा। जैसे विश्व में मेरा कीर्तन होता है वैसे ही गरुड़ नाम से आपका भी संकीर्तन होगा। हे पक्षी श्रेष्ठ, आप मेरा ध्यान करके उस पुराण का प्रणयन करें। भगवान के द्वारा ये वरदान दिए जाने के बाद इसी संबंध में कश्यप ऋषि के द्वारा पूछे जाने पर गरुड़ ने इसी पुराण को उन्हें सुनाया। कश्यप ने इस गरुड़ महापुराण का श्रवण करके गारुड़ी विद्या के बल से एक जले हुए वृक्ष को भी जीवित कर दिया था। गरुड़ ने स्वयं भी इसी विद्या के द्वारा अनेक प्राणियों को जीवित किया था। इस महापुराण के प्रारंभ में सर्ग वर्णन किया गया है, तदनंतर देवार्चन की विधियां प्रस्तुत की गई हैं। विष्णु पंजर स्त्रोत कहा गया है जो जीवों के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। इसके बाद भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाले ध्यान योग का वर्णन किया गया है। मैं जगत का साक्षी, जगत का नियंता और परमानंद स्वरूप हूँ। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन सभी अवस्थाओं में जगत का साक्षी होते हुए भी मैं इन अवस्थाओं से रहित हूँ। मैं ही तुरीय ब्रह्म और विधाता हूँ। मैं ही दृग रूप अर्थात समस्त प्रपंच का दृष्टा, दृष्ट एवं दृष्टि हूँ। मैं ही निर्गुण, मुक्त, बुद्ध, शुद्ध, प्रबुद्ध, अजर, सर्वव्यापी, सत्य स्वरूप एवं शिव स्वरूप परमात्मा हूँ। इस प्रकार जो विद्वान इन परम पद परमेश्वर का ध्यान करता है वे निश्चय ही ईश्वर का साम रूप प्राप्त कर लेता है। ये स्वयं श्री हरि भूत भावन भगवान शंकर से कहते हैं कि हे श्रुवत शंकर, आपसे ही इस ध्यान योग की चर्चा मैंने की है।
जो व्यक्ति सदैव इस ध्यान योग का पाठ मनन चिंतन करता है वो विष्णु लोक को प्राप्त करता है। भगवान रुद्र जी पूछते हैं, हे प्रभु, मनुष्य किस मंत्र का जाप करके इस अथाह संसार सागर से पार हो सकता है? इस पर श्री हरि ने उत्तर दिया कि परब्रह्म परमात्मा नित्य परमेश्वर भगवान विष्णु की सहस्त्र नाम से स्तुति करने पर मनुष्य भव सागर को पार कर सकता है। इस क्रम से समस्त पापों का विनष्ट करने वाले विष्णु सहस्त्र नाम स्त्रोत को भगवान ने उन्हें सुनाया। ये विष्णु सहस्त्र नाम इस पुराण में प्रस्तुत है जो अन्य विष्णु सहस्त्र नामों से भिन्न है। भगवान विष्णु की आराधना के बाद भगवान सूर्य की पूजा का भी वर्णन मिलता है। तदनंतर जीवों का उद्धार करने वाली पुण्य प्रदायिनी सर्वदेवमय मृत्युंजय पूजा का निरूपण हुआ है तथा मृत्युंजय जप की महिमा भी प्रस्तुत की गई है। ये मंत्र मृत्यु और दरिद्रता का मर्दन करने वाला है तथा शिव विष्णु सूर्य आदि सभी देवों का कारणभूत है। ओम जुम सह, ये महामंत्र अमृतेश के नाम से कहा जाता है। इस मंत्र का जप करने से प्राणी संपूर्ण पापों से छूट जाता है और मृत्यु रहित हो जाता है, अर्थात मृत्यु के समान होने वाले उसके कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान मृत्युंजय श्वेत कमल के ऊपर बैठे हुए वरद हस्त तथा अभय मुद्रा धारण किए रहते हैं। तात्पर्य ये है कि उनके हाथ में एक अभय मुद्रा है और एक हाथ में वरद मुद्रा, दो हाथों में अमृत कलश है। इस रूप में अमृतेश्वर का ध्यान करने के साथ ही भगवान के वामांग में स्थित अमृत भाषिणी अमृता देवी का भी ध्यान करना चाहिए। देवी के दाएं हाथ में कलश और बाएं हाथ में कमल सुशोभित रहता है। इस महापुराण में प्राणेश्वरी विद्या का निरूपण किया गया है। सर्पों के विष हरने के उपाय तथा दुष्ट उपद्रवों को दूर करने के मंत्र दिए गए हैं। पंचवक्त्र पूजन, शिवार्चन विधि, भगवती त्रिपुरा तथा गणेश आदि देवों की पूजा विधि प्रस्तुत की गई है। भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली श्री गोपाल की तथा भगवान श्रीधर विष्णु की पूजा का भी वर्णन किया गया है। इसके साथ श्रीधर विष्णु का ध्यान तथा उनकी स्तुति प्रस्तुत की गई है। पंच तत्वार्चन विधि, सुदर्शन चक्र पूजा विधि, भगवान हयग्रीव के पूजन की विधि, देवी दुर्गा का स्वरूप सूर्य ध्यान तथा महेश्वरी पूजन विधि प्रस्तुत की गई है। तदनंतर ब्रह्म मूर्ति के ध्यान का निरूपण किया गया है। हृदय कमल की कर्णिका के मध्य विराजमान रहने वाले शंख चक्र गदा और कमल से सुशोभित तथा श्रीवत्स कौस्तुभ मणि वनमाला एवं लक्ष्मी से विशोभित नित्य शुद्ध ऐश्वर्य संपन्न सत्य परमानंद स्वरूप आत्म स्वरूप परब्रह्म तथा परम ज्योति स्वरूप हैं। ऐसे वे परमेश्वर ध्यान के योग्य हैं तथा पूजनीय हैं। मैं भी वही हूँ ऐसा समझना चाहिए। इस प्रकार आत्मस्वरूप नारायण का यम नियम इत्यादि योग के साधनों से एकाग्रचित होकर जो ध्यान करता है वो मनोभिलषित इच्छाओं को प्राप्त कर देव स्वरूप हो जाता है। यदि निष्काम होकर उन हरि की मूर्ति का ध्यान और स्वतन करे तो मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसके बाद विविध सालग्राम शिलाओं के लक्षण वास्तु मंडल पूजा की विधि तथा प्रसाद लक्षण प्रस्तुत किए गए हैं। देव प्रतिष्ठा की भी सामान्य विधि बताई गई है। वर्ण एवं आश्रम धर्मों का निरूपण किया गया है। इसके साथ ही सदाचार और शौचाचार की महत्ता बताई गई है। वर्णाश्रम धर्म का निरूपण करते हुए ब्रह्मा जी ने व्यास जी से कहा कि परमात्म प्रभु, परमेश्वर की पूजा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों को अपने अपने धर्म के अनुसार करनी चाहिए। उनके द्वारा
पृथक पृथक रूप से ही उनके धर्मों का वर्णन किया गया है। यजन, याजन, दान, प्रतिग्रह, अध्ययन और अध्यापन, ये छह कर्म ब्राह्मण के धर्म बताए गए हैं। दान, अध्ययन तथा यज्ञ ये क्षत्रिय तथा वैश्य के साधारण धर्म हैं। शस्त्रोपजीवी होना तथा प्राणियों की रक्षा करना क्षत्रियों का विशेष धर्म है। पशुपालन, कृषि कर्म तथा व्यापार, ये वैश्य वर्ण की वृत्ति कही गई है। द्विजाति की सेवा शूद्र का कर्तव्य माना गया है। शिल्पकारी उनकी आजीविका कही गई है। इसी प्रकार आश्रम धर्म का भी वर्णन हुआ है। भिक्षाचरण, गुरुश्रूषा, स्वाध्याय तथा अग्नि कार्य, ये ब्रह्मचारियों के धर्म बताए गए हैं। अग्निहोत्र धर्म का पालन तथा कहे गए अपने विहित कर्मों के अनुसार जीविकोपार्जन, पर्व रात्रि को छोड़कर अन्य रात्रियों में धर्मपत्नी का सहवास, देवता, पितर तथा अतिथि गणों की विधिवत पूजा में संलग्न रहना और श्रुतियों तथा स्मृतियों में कहे गए धर्मों के अनुसार अर्थोपार्जन करना, ये गृहस्थों के धर्म कहे गए हैं। इसके साथ ही संस्कारों का भी वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत के संस्कार बताए गए हैं। क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य बालकों के लिए उपनयन संस्कार की अनिवार्यता का दिग्दर्शन कराया गया है। गृहस्थाश्रम के धर्म में स्त्रियों के कर्तव्य का भी विवेचन हुआ है। स्त्रियों को अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए, यही उनका परम धर्म है। जिस घर में पति पत्नी के मध्य किसी प्रकार का विरोध नहीं होता, उस घर में धर्म, अर्थ और काम, इस त्रिवर्ग की अभिवृद्धि होती है। जो स्त्री पति की मृत्यु के पश्चात अथवा उसके जीवित रहते हुए अन्य पुरुष का आश्रय नहीं लेती, वो इस लोक में यश प्राप्त करती है और अपने पतिव्रत के प्रभाव से परलोक में जाकर पार्वती के साहचर्य में आनंद प्राप्त करती है। अग्निहोत्र का पालन, पृथ्वी पर शयन, मृगचर्म का धारण, वन में निवास, दूध, मूल, फल तथा निवार का भक्षण, निषिद्ध कर्म का परित्याग, त्रिकाल संध्या, ब्रह्मचर्य का पालन और देवता तथा अतिथि की पूजा, ये वानप्रस्थी का धर्म है। सभी प्रकार के आरंभों का परित्याग, भिक्षा से प्राप्त अन्न का भोजन, वृक्ष की छाया में निवास, अपरिग्रह, अद्रोह, सभी प्राणियों में समान भाव, प्रिय तथा अप्रिय की प्राप्ति में एवं सुख एवं दुख में समान स्थिति, शरीर की ब्रह्म और आंतरिक शुद्धता, वाणी में संयम, परमात्मा का ध्यान, सभी इंद्रियों का निग्रह, धारणा तथा ध्यान में तत्परता और भाव शुद्धि, ये सभी परिवारजक या सन्यासी के धर्म कहे गए हैं। इसके साथ ही अहिंसा, प्रिय और सत्य वचन, पवित्रता, क्षमा तथा दया, सभी आश्रमों का और वर्णों का सामान्य धर्म कहा गया है। सदाचार और शौचाचार का निरूपण करते हुए सूत जी शौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि श्रुति, वेद और स्मृति धर्मशास्त्र का भली प्रकार से अध्ययन करके श्रुति प्रतिपादित धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि श्रुति ही सब कर्मों का मूल है। श्रुति में कहा गया धर्म परम धर्म है, स्मृति और शास्त्र से प्रतिपादित धर्म अपर धर्म है। यदि उपलब्ध श्रुतियों में कोई कर्म ज्ञात नहीं हो रहा है तो उसको स्मृति शास्त्र के अनुसार जानकर करना चाहिए, क्योंकि स्मृति शास्त्र भी श्रुति मूलक होने के कारण ही मर्म के बोध में प्रमाण माने जाते हैं। कर्म मार्ग का दर्शन कराने के लिए श्रुति और स्मृति ये नेत्र स्वरूप हैं। यदि इन दोनों से दिशा निर्देश नहीं मिल पाता तो सदाचार, शिष्टाचार, धर्म का पालन करना चाहिए। इस प्रकार श्रुति, स्मृति और शिष्टाचार से प्राप्त धर्म
ये तीन प्रकार के सनातन धर्म हैं, सत्य, दान, दया, निर्लोभता, विद्या, यज्ञ, पूजा और इंद्रिय दमन। ये आठ शिष्टाचार के पवित्र लक्षण कहे गए हैं। यहाँ प्रातःकाल जागने से लेकर रात्रि में सोने तक पालन करने योग्य गृहस्थ के धर्म का वर्णन भी हुआ है। गृहस्थ को ब्रह्म मुहूर्त में निंद्रा का परित्याग करके धर्म और अर्थ का भली भांति चिंतन करना चाहिए। शौच आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर दंत धावन स्नान करके समाहिचित होकर संध्योपासन, तर्पण, देवार्चन आदि नित्य क्रिया संपन्न करनी चाहिए। शौचादि क्रियाओं की शुद्धि का विस्तृत वर्णन यहाँ हुआ है। शुद्धि दो प्रकार की है, पहली ब्राह्म्य तथा दूसरी आभ्यंतरिक। मिट्टी तथा जल से की जाने वाली ब्राह्म्य शुद्धि और भावों की शुद्धि आभ्यंतरिक शुद्धि मानी गई है। आचमन को शुद्धि का प्रमुख अंग माना गया है। दृष्ट और अदृष्ट दोनों प्रकार का हित संपादन होने के कारण प्रातःकाल के स्नान की अत्यधिक प्रशंसा की गई है। शरीर अत्यंत मलिन है, उसमें स्थित नौ छिद्रों से सदैव मल निकलता रहता है। अतः प्रातःकाल का स्नान शरीर की शुद्धि का हेतु, मन को प्रसन्न रखने वाला तथा रूप और सौभाग्य की वृद्धि करने वाला है। ये शोक और दुख का विनाशक है। गंगा स्नान की विशेष महिमा है। गंगा स्नान से सर्वविध पापों का नाश होता है। शास्त्रों में 3 करोड़ मंदेह नामक राक्षस माने गए हैं। वे दुरात्मा राक्षस सदैव प्रातःकाल उदित हो रहे सूर्यदेव को खा जाने की इच्छा रखते हैं। अतः सूर्यदेव से पूर्व स्नान करके संध्योपासन कर्म नहीं करना सूर्यदेव का ही घातक है। जो लोग यथाविधि स्नान कर यथाधिकार संध्योपासन करते हैं, वे मंत्र से पवित्र किए गए अनल रूपी अर्ध से उन मंदेह नामक राक्षसों को जला देते हैं। दिन और रात का जो संधिकाल है वही संध्या काल होता है। ये संध्या काल सूर्योदय से पूर्व 2 घड़ी पर्यंत रहता है। जो उपासक प्रातःकाल नित्य गायत्री मंत्र का जप करता है वो कमल पत्र की भांति पाप से संलिप्त नहीं होता। इस संसार में 8 मंगल हैं, ब्राह्मण, गौ, अग्नि, हिरण्य, घृत, सूर्य, जल और राजा। सदैव इनका दर्शन और पूजन करना चाहिए तथा यथा साध्य अपने दाहिने करके ही चलना चाहिए। माता, पिता, गुरु, भ्राता, प्रजा, दीन, दुखी, आश्रित जन, अभ्यागत, अतिथि और अग्नि, ये पौष्य वर्ग कहे गए हैं। पौष्य वर्ग का भरण पोषण करना स्वर्ग का प्रशस्त साधन है। अतः मनुष्य को पौष्य वर्ग का पालन पोषण प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। इस संसार में उसी व्यक्ति का जीवन श्रेष्ठ है जो बहुतों के जीवन का साधन बनता है, अर्थात बहुतों का पालन पोषण करता है। जो मात्र अपने भरण पोषण में लगे रहते हैं वे जीवित रहते हुए भी मरे हुए के समान हैं, क्योंकि अपना पेट कुत्ता भी पालता है। व्यवहार में अर्थ का अत्यधिक महत्व है। अर्थ उन्हें ही कहते हैं जो हमारे सभी कार्यों की संपन्नता में अनिवार्य रूप से उपयोगी हो। इसी दृष्टि से सभी रत्नों की निधि पृथ्वी, धान्य, पशु, स्त्रियां आदि अर्थ माने जाते हैं। इस तरह अर्थ का महत्व होने पर भी इसके उपार्जन में संयम आवश्यक है। शास्त्र सम्मत विधि से अर्जित धन के लाभांश से सभी लोगों को पितृगण, देवगण तथा ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। ये संतुष्ट होकर धनोपार्जन से अज्ञानवश हुए दोष को निसंदेह शांत कर देते हैं। विद्या, शिल्प, वेतन, सेवा, गौरक्षा, व्यापार, कृषि, वृत्ति, भिक्षा और व्याज, ये 10 जीवन व्यापन के साधन हैं। नित्य, नैमित्तिक, काम्य, क्रीडांग, मलापर्षण,
मार्जन, आचमन और अवगाहन, ये 8 प्रकार के स्नान बताए गए हैं। प्रातःकाल पूजा पाठ आदि धार्मिक कृत्य के लिए स्नान किया जाता है, उसी को नित्य स्नान कहा गया है। चांडाल, शव निष्ठा तथा रजस्वला आदि के स्पर्श के बाद जो स्नान किया जाता है वो नैमित्तिक कहलाता है। पुष्प आदि नक्षत्रों से जो स्नान किया जाता है उसे काम्य स्नान कहते हैं। इन स्नानों को तीर्थ का अभाव होने पर उष्ण जल अथवा किसी प्रकार की प्राप्त कृत्रिम जल से संपन्न कर लेना चाहिए। भूमि से निकला हुआ जल पवित्र होता है, इस जल की अपेक्षा पर्वत से निकलने वाले झरने का जल पवित्र होता है। इससे भी बढ़कर पवित्र जल सरोवर का है, उसकी अपेक्षा नदी का जल पवित्र है, नदी के जल से तीर्थ जल श्रेष्ठ है। इन सभी जलों की अपेक्षा गंगा का जल परम पवित्र है। गंगा के श्रेष्ठतम जल से जीवन पर्यंत किए गए पापों का विनाश शीघ्र हो जाता है। मनुष्य आचार, सदाचार, शौचाचार से ही सब कुछ प्राप्त कर लेता है।